नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है और उन्होंने जानकारी दी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अब रेटिंग लेने वाले हैं। मतलब जो भी वेंडर रास्ते बनाएंगे वो रास्ते का रेटिंग किया जाएगा, वेंडर का रेटिंग किया जाएगा और अकॉर्डिंगली वो वेंडर को कुछ नंबर दिया जाएगा कि कितना रेटिंग हुआ है। तो ये सब रेटिंग जो है ये हर किसी को अप्लीकेबल है। जो हाईवे में काम करेंगे वो कंसेशनरीज, कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट सबको अप्लीकेबल है। एनएचएआई ने जानकारी दी है कि परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम आने वाला है। जो भी हाईवे में काम करेंगे उनके लिए परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम आएगा, मतलब वेंडर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम, ऐसा एनएचएआई ने अपने वेब पोर्टल पर डाल दिया है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर या फिर कंसल्टेंट रस्ते बनाएंगे उनको अपना परफॉर्मेंस जो है, इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो उनको फीड करना पड़ेगा वेबसाइट पे एनएचएआई के। जो वेंडर है उनको अपना सेल्फ असेसमेंट देना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स उनको वहां पे साइट पे डालने पड़ेंगे। अकॉर्डिंगली एनएचएआई क्या करेगा कि उसका रिव्यू लेगा और वेंडर को रेटिंग देगा। वेंडर के हाथ में ऑप्शन दिया है कि आपका जो रिव्यू है उसको आप अपील कर सकते हो, वेंडर अपील भी डाल सकते हैं। अभी तक जो भी वेंडर है ऑलमोस्ट 853 प्रोजेक्ट्स में से 519 कंसल्टेंट्स और 334 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अभी तक रेटिंग के लिए अर्जी डाल दी है एनएचएआई के साइट पर। जो भी वेंडर रिव्यू सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करेगा, जो रेटिंग अप्लाई नहीं करेगा, वो वेंडर को एनएचएआई में कोई भी टेंडर भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब इससे क्या होगा कि रस्ते की क्वालिटी जो है, बहुत ज्यादा रस्तों पर पॉट होल दिखते हैं, गड्ढे दिखते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। रस्तों का जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करने की कोशिश एनएचएआई ने करी है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप जरूर बताइएगा। होप कि जो भी काम होगा, जो भी रेटिंग होगा वो इम्पार्शियल होगा और रस्ते जो है, जो रस्ते की समस्या है अपने देश में, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।